नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंको गोल्ड के आईपीओ के डे थ्री के अपडेट के बारे में। आज के दिन जो है आईपीओ बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है 6 जुलाई को, 4 से 6 जुलाई के बीच आईपीओ खुलता हुआ दिखाई दिया था। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन रहा है, क्या अलॉटमेंट चांसेस है, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम है और लिस्टिंग किस तरीके की होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जबरदस्त कंपनी थी जिसका आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस रेंज की, तो 301 से 317 का प्राइस बैंड था, 47 शेयरों का लॉट साइज था और 405 करोड़ रुपए टोटल जुटाने की जो योजना थी, टोटल इशू साइज 405 करोड़ का था, जहाँ पे 270 करोड़ का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल में कंपनी ने 135 करोड़ जुटाने की जो थी योजना बनाई थी। और कहीं ना कहीं जो है ओपनिंग डेट 4 से 6 जुलाई की रखी गई थी। अलॉटमेंट अगर आपको मिलेगा तो 11 जुलाई के दिन मिलेगा, रिफंड होगा 12 जुलाई को और 13 जुलाई को आपको इस डीमैट में शेयर आएंगे और 14 को इसकी लिस्टिंग जो है 14 जुलाई के दिन होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब बात करने वाले सीधा यहाँ पे हम कि किस तरीके का इसका सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का नंबर है वो आपको देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 73 गुना तक जो ये जो है आईपीओ का इशू वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स जो है वो इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यूआईबी इसका कोटा देखेंगे ऑलमोस्ट 177 टाइम भरता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि अब एक आध घंटा बचा हो तो और थोड़ा बहुत ये सब्सक्राइब बढ़ता हुआ दिखाई दे। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अगर हिस्सा देखेंगे ऑलमोस्ट 68 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है, जिसमें से 10 लाख से ऊपर बिड करने वाले बड़े एचएनआईज जो है उनका हिस्सा 71 टाइम से ज्यादा भरा है और 10 लाख से नीचे बिड करने वाले जो स्मॉल है HNIs, उसका हिस्सा 60 टाइम भरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर सबकी नजर होती है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। 15 टाइम से ज्यादा जो है ऑलमोस्ट 15.4 टाइम्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भरते हुए दिख रही है, यानी कि जबरदस्त तरीके से जो रिस्पॉन्स है फाइनल डे में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। कल भी अगर आप देख रहे हैं 3 से 4 गुना जो था ऑलमोस्ट यहाँ पे डे टू में रिटेल का सेक्शन जो था वो भरता हुआ दिखाई दिया था, लगभग 4 गुना। लेकिन आज के दिन यहाँ पे एक शानदार रिस्पॉन्स जो है कहीं ना कहीं फाइनल डे पे रिटेल की तरफ से देखने मिल रहा है, 15 गुना। तो अलॉटमेंट चांसेस जो है वो यहाँ पे बहुत कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो सेक्शन है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, 15 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हमने देखा था इसके पहले आइडिया फोर्ज के आईपीओ में, उसमें तो ऑलमोस्ट 80-90 गुना तक जो था वो रिटेल सेक्शन भरता हुआ दिखाई देता, तो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी 15 में एक ये चांस यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी का चलता हुआ दिख रहा है कि 15 में से एक एप्लीकेशन को ही जो है अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, किस तरीके की प्रीमियम चलते दिख रही है, तो सेंको गोल्ड के जो प्रीमियम चलते दिख रही है वो 92 रुपीज की जीएमपी चलते हुए दिखाई दे रही है। अभी 317 रुपए का इसका अपर बैंड का जो प्राइस है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग है वो 409 रुपए के आसपास होती हुई दिख सकती है। आज के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 29% का जो रिटर्न है वो आपको यहाँ से लिस्टिंग से देखने को मिल सकता है। अभी जो 92 रुपए का प्रीमियम है दोस्तों, ये लिस्टिंग तक कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 92 रुपए जो है वो फिक्स है, ये इसके ऊपर जा नहीं सकता या इसके नीचे नहीं आ सकता। मार्केट की कंडीशन अच्छी रहती है, सब रिस्पॉन्स सही देखने मिलता है, तो अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से भी बेटर प्राइस पे हो सकती है और यहाँ से अगर कुछ थोड़ी चीज ऊपर नीचे होती है तो ये आपको हो सकता है कि 90 की जगह 70, 80, 60 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दिया है, डेफिनेटली इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में आपको यहाँ पे एक 30 से 35% की डिसेंट लिस्टिंग जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, यानी कि 400 रुपए से ऊपर की ही इस स्टॉक में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी, ऐसे चांसेस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा 25 से 30% का भी अगर रिटर्न एक लिस्टिंग में बनता है तो अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो रखना चाहते हैं फिर वो रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से QIB HNIs का यहाँ पे इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है वो शानदार है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ समझ के चल सकते हैं कि अगर आपको लिस्टिंग में कोई अलॉटमेंट मिल जाता है डेफिनेटली, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा जो 30 से 40% तक का गेन है वो आपको लिस्टिंग पे ही देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।